जुगारिया ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं गम। ब्रह्मास्त्र का सफर शुरू हुआ 2011 में, जब मैं शिमला में हिमालय के पर्वतों के बीच था। मेरी पहली फिल्म रिलीज हो चुकी थी और मैं अपनी दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। हमारे पहाड़ों में जो एनर्जी है, जो स्पिरिचुअलिटी महसूस होती है, उसका मेरी जिंदगी पे बहुत ही गहरा असर रहा है। और मैं मानता हूं कि उसी एनर्जी से ब्रह्मास्त्र के विजन का जन्म हुआ। शुरुआत से ब्रह्मास्त्र का विजन ये था कि हम एक ऐसा सिनेमैटिक स्पेक्टिकल क्रिएट करें जो हमारे देश में पहले कभी ना देखा गया हो। इस फिल्म में हम एक नई, अलग, अनदेखी दुनिया क्रिएट करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। लेकिन इस फिल्म की नींव हमारी संस्कृति, भारत की पौराणिक कथाएं और हमारी स्पिरिचुअलिटी से प्रेरित हो। ब्रह्मास्त्र की कहानी इतनी विशाल थी कि वो एक फिल्म में समा नहीं सकती थी, तो मैंने निर्णय लिया कि ये फिल्म तीन भाग में होगी, अ ट्रिलॉजी। ये सब सोच तो लिया था, पर अब फिल्म बनाए कैसे? जो दृश्य मेरे दिमाग में घूम रहे थे उन्हें बड़े पर्दे पर लाए कैसे? मुझे एक नए तरीके की फिल्म मेकिंग सीखनी पड़ी, बहुत रिसर्च करना पड़ा। और फिर मुझे समझ में आया कि जो विजुअल इफेक्ट्स, जो स्केल और उसके लिए जो बजट हमें चाहिए था, वो पहले किसी भारतीय फिल्म को मिला नहीं था। लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि अगर हम ये सब चैलेंजेस को ओवरकम करके ब्रह्मास्त्र को सही तरीके से बना पाए, तो ये फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत ही नई, एम्बिशियस और कमाल की अचीवमेंट हो सकती है। एक ऐसी फिल्म जिसपे पूरे देश को गर्व हो। जब ये जवानी है दीवानी रिलीज हुई थी, आई वॉज 29 ईयर्स ओल्ड, और जब ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी आई विल बी 39। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने साल निकल जाएंगे, 10 साल ब्रह्मास्त्र के ख्वाब को हकीकत बनाने में। लेकिन आई ट्रूली बिलीव कि इतने वक्त और मेहनत की जरूरत थी ताकि हम हमारे ऑडियंसेस के लिए एक ट्रूली हाई क्वालिटी, वंस इन अ लाइफ टाइम मूवी एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके ब्रह्मास्त्र के साथ।